तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा। आला हज़रत के कुछ बातों पर और कुछ नसीहत देते हुए हम मुसलमानों को तो पूरा बयान ज़रूर सुने और इस पर अमल भी करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें। सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चलिए बयान शुरू करते हैं। आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहु उससे मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ो मोहब्बत के बात जारी व सारी हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ो मोहब्बत ने ऐसी कौन सी दौलत अता फरमाई कि एक सदी के गुज़र जाने के बावजूद इमाम की मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन है। तो वजह सबसे बड़ी ये है कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ो मोहब्बत ने तहफ्फुज़ ईमान के सिलसिले में दलाइल से भरी हुई किताबें और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज़ हदायक़ बख्शिश हमें अता फरमाई और ख़ुद ही कहते हैं एक शेर के अंदर अपनी अकीदत और हकीकत का इजहार करते हुए, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद आज़म हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहि रहमतु व रिज़वान यूं अर्ज करते हैं, मेरा दीन व ईमान फरिश्ते जो पूछें तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ो मोहब्बत की किताब से चंद अहादीस आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा और आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि इमाम इश्क़ो मोहब्बत ने किस तरीक़े से लोगों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का सामान फराहम किया और क़ुरान मुक़द्दस और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वो अकीदा जो रब अपने बंदों में चाहता है, वो अकीदा जो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक क़ुरान का तकाजा है, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक ने उस अकीदे को हम तक पहुंचाया। आप उसे समझने की कोशिश करें और अपने ईमान की हिफाजत के लिए जिद्दोजहद करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हम कुरान मुकद्दस का मुताला करें तो ईमान वालों से कई मकामात पर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने खिताब फरमाया। कहीं रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने ईमान वालों से फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वसजुदू वअबुदू रब्बकुम। कहीं परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह। और मैंने आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें परवरदिगार जल्ल जलालहू ने ईमान वालों ही से फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। आप अंदाजा लगाएं, ईमान वालों से कहा जा रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, इससे मुराद क्या है? परवरदिगार ने यह क्यों इरशाद फरमाया? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू को सिर्फ जबान से कह देने से कि अल्लाह हमारा रब है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं,
इतने कहने पर इक्तफा न करो, बल्कि जो शान उलूहियत है, जो शान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसका ख्याल करो और उस तरीके से अल्लाह को मानो, उस तरीके से अल्लाह के रसूल को मानो जैसा मानने का हक है, जैसा मानने का अल्लाह चाहता है, वैसे अल्लाह को मानो जैसा रसूल को मानने के लिए अल्लाह फरमाता है, उस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो। बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले ऐसे भी जमीन पर आपको नजर आएंगे जो अल्लाह के अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला के एक होने का इकरार भी करते हैं, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल भी मानते हैं, लेकिन ये कहने के बावजूद भी उनके दिलों के अंदर न तौहीद के हवाले से, न रिसालत के हवाले से वो अकीदा नजर आता है जो परवरदिगार जल्ल जलालहु की शान के लायक हो, न मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के लायक हो। मिसाल के तौर पर बहुत सारों ने जब परवरदिगार जल्ल जलालहु के हवाले से अपनी किताबों के अंदर और कुरान मुकद्दस के तर्जमे के अंदर जब तर्जमा किया तो इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर लिखने के बाद इस आयत के तर्जमे के अंदर जब तर्जमा करते हैं तो माअदल्ला लिखते हैं कि बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है, झूठ पर भी कादिर है, मगर झूठ नहीं बोलेगा। आप अंदाजा लगाएं इस तरीके की बातें भी उनकी किताबों में आपको मिलेंगी, बारी ताला के सिलसिले में इम्काने किस्ब का इजहार करके कि माअदल्ला अल्लाह झूठ बोल सकता है, इस पर भी कादिर है, मगर वो नहीं बोलेगा। ये कहकर शान इलाही के अंदर परवरदिगार की बारगाह के अंदर तौहीन करते हुए दिखाई देते हैं। दर हकीकत वो अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला की तारीफ से आशना नहीं, अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला के बारगाह के अंदर जिस तरीके से अदब व एहतराम बजा लाना चाहिए उससे वो वाकिफ नहीं है, और जो तारीफ अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला की गई है उस तारीफ से नाआशनाई की बुनियाद पर वो इस तरीके का अपनी किताबों में तर्जमा, अपनी किताबों के अंदर उन्होंने ये सारे कमेंट लिखे। लेकिन आप जानते हैं अल्लाह अकबर, परवरदिगार जल्ल जलालहु के प्यारे हबीब अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक इमाम इश्को मोहब्बत ने जब कुरान मुकद्दस का तर्जमा किया तो अल्लाह अकबर इस शान से तर्जमा किया कि जब तर्जमा पढ़ने वाला तर्जमा पढ़ता है तो मोहब्बत इलाही भी पैदा होती है और मोहब्बत रसूल भी उसके सीने में जलवागर हो जाया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें। आप अगर तारीख का मुताला करेंगे, कुरान मुकद्दस की आयात का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो रसूल आजम की रिसालत का इकरार भी करते थे लेकिन दिल के अंदर रसूल आजम के हवाले से वो अकीदा नहीं था जो अकीदा होना चाहिए। जैसा कि कुरान मुकद्दस में रब जल्ल जलालहु ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। अल्लाहु अकबर, रसूल आदम की बारगाह में मुनाफिक आते तो सरकार को परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि जब आपकी बारगाह के अंदर मुनाफिक आते हैं तो आकर के कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तवज्जो चाहूंगा, कुरान कह रहा है, सूरह मुनाफिकून की आयत है, अल्लाह अज़्ज़ वजल इरशाद फरमाता है कि मुनाफिक जब हुजूर की बारगाह में आते तो सरकार से अर्ज करते कि हम कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अब रब फरमाता है वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु, अल्लाह जानता है कि आप उसके रसूल हैं। अब मुनाफिक भी कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, रब फरमाता है अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अब मुनाफिक के कहने की तर्दीद मेरा परवरदिगार यूं फरमाता है वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठ बोल रहे हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, मुनाफिक तो ये कह रहे हैं कि हुजूर अल्लाह के रसूल हैं और मेरे मौला तू ये फरमा रहा है कि मुनाफिक झूठ बोल रहे
रहे हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या मतलब है? तो कुरान कहता है इनकी जबान कुछ कहती है, दिल कुछ कहता है, इनके दिल में रसूल की वो अजमत मौजूद नहीं। कुरान कहता है फी कुलूबिहिम मरद, उनके दिल के अंदर मर्द है। वो जबान से तो मुस्तफा को अल्लाह का रसूल कहते हैं, लेकिन दिल में जो अजमत हुजूर की होनी चाहिए, दिल में जो मोहब्बत हुजूर की होनी चाहिए, दिल में जो अकीदत हुजूर की होनी चाहिए, वो अकीदतों का चिराग उनके सीने में रोशन नहीं है। तो कुरान ने उनकी गवाही को रद्द फरमा दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां से ये बात वाज़े हो गई कि सिर्फ ज़बान से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल कह दिया जाए, लेकिन जिस शान के वो रसूल हैं, उस शान के मुताबिक अगर उस रसूल को न माना जाए तो हमारा ये कहना उस एतबार से काबिले एतबार न होगा जिस एतबार से मेरा परवरदिगार बंदों से तकाजा फरमाता है। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। आज मैं आपको ईमान के हवाले से दो तीन बातें पहले समझा दूं, इसे अच्छी तरह जहन में रखना। अल्लामा रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, ये याद करके जाइएगा, समझ करके जाइएगा, और आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो शायद इसमें की कुछ बातें आज पहली बार सुन रहे हैं। अल्लामा रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ईमान से मुतालिक फरमाते हैं कि ईमान अमन से माखुज है। और इसके मानी होता है नफ्स का मुतमईन होना और खौफ का जाइल होना। दिल का मुतमईन हो जाना और खौफ का निकल जाना। इसकी तशरीह में फरमाया गया दिल का मुतमईन होना किस एतबार से, यानी ईमान किसे कहते हैं, ईमान की तारीफ, ईमान का मतलब दिल का मुतमईन होना। किस बात से दिल का मुतमईन होना? इस बात से कि मैंने जो ईमान की दौलत पाई है, इस ईमान की वजह से इंशाअल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा। इस बात से दिल का मुतमईन होना और खौफ का जाहिल होना, इससे मुराद यह है कि जो ईमान में लेकर के आया हूं उसके एवज में मौला जन्नत अता फरमाएगा, इस बात का इत्मीनान। और खौफ का जाइल होना यानी अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा लेगा, इस खौफ का दिल से निकल जाना, इसका नाम है ईमान। तो ईमान जन्नत में ले जाने वाला अकीदा है। जिस किसी के दिल में ईमान की दौलत मौजूद है, ये ईमान रखने वाले बंदे को इत्मीनान हासिल कर लेना चाहिए कि ईमान उसे जन्नत में लेकर के इंशाअल्लाह जाएगा और जहन्नम से बचाएगा। अल्लामा बेदावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ईमान के हवाले से फरमाया कि ये अमनुन से माखुज है, और इसके मानी होता है तस्दीक करना। और तस्दीक करने से क्या मुराद है? कि जिसकी तस्दीक की जा रही है उसको झूठ से और हर खता से महफूज तसव्वुर करना। अब ईमान को इस्तिलाह शरीयत में आपको समझना है तो यूं समझे कि ईमान उस चीज को कहते हैं, उस तस्दीक को कहते हैं, उस इकरार को कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए
उसका दिल से तस्दीक करना और ज़बान से इकरार करना, इसका नाम है ईमान। तो आप तस्दीक करने से पहले जिसकी तस्दीक कर रहे हो, जिसकी बातों की तस्दीक कर रहे हो, पहले उस रसूल को मानो कि वो सच्चे हैं, वो झूठ कभी नहीं बोलते, और वो जो कुछ लाए वो भी सच्चे हैं, उनकी लाई हुई हर चीज भी सच्ची है। इसका नाम है ईमान, इसका नाम है ईमान। हुजूर को सच्चा मानो और हुजूर की लाई हुई चीजों को सच्चा मानो और उसका दिल के अंदर यकीन रखो, तस्दीक उसकी करो, तब जाकर के तुम मोमिन होगे। उससे पहले कोई मोमिन हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। अब आइए कुरान की रोशनी में समझाता हूं। कुरान कहता है, देखिए हुजूर को कैसा मानना, यह कुरान का तकाजा है। अगर उस तरीके से न मानकर अगर कोई कलेमा भी पढ़ता हो तो कुरान उसको मोमिन नहीं मानता, यह जहन में रहे। अगर कोई कलेमा भी पढ़ रहा है, यह जहन में रहे। अगर कोई कलेमा भी पढ़ रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, लेकिन कुरान जिस तरीके से हुजूर को मानने के लिए फरमाता है, अगर कोई न माने तो कुरान उसके ईमान की नफी फरमाता है। मैं कुरान की रोशनी में अर्ज करता हूं, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम सुम्म ला यजिदू फी अन्फुसिहिम हरजम मिम्मा कदैता वयुसल्लिमू तस्लीमा। गौर से सुनिएगा, तुम्हारे रब की कसम, अल्लाह हुजूर से फरमा रहा है, वो रब सबका है, लेकिन हुजूर से कह रहा है तुम्हारे रब की कसम, तेरे रब की कसम, फला व रब्बिका ला युमिनून, मोमिन नहीं है वो। अल्लाह ने ईमान की नफी फरमा दी। हत्ता युहक्किमु कफीमा शजर बैनहुम, जब तक कि उनके मामलात के अंदर तुम्हें हाकिम न माने, जब तक के ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अपने मामलात के अंदर अगर कोई तुम्हें हाकिम न माने वो मोमिन नहीं है। कुरान ने मना कर दिया। अब मामला क्या है, इस आयत के शाने नुजूल के अंदर दो रिवायतें मिलती हैं। एक मुनाफिक था, एक यहूदी था, कुछ मामला हुआ तो मुनाफिक ने यहूदी से कहा कि चलो काब इब्ने अशरफ के पास चलते हैं हमारा मुकदमा लेकर। यहूदी ने कहा नहीं, तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं। पहले मुनाफिक को समझ लीजिए कि मुनाफिक होता कौन, इसको भी समझ लें, वरना आप सोचेंगे कि मुनाफिक क्या है, थोड़ा इसे भी समझ लें। मुनाफिक की तारीफ यह है कि वइदा लकुल लदीना आमनु कालू आमन्ना वइदा खलव इला शयातीनहिम कालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िउन। मुनाफिक की तारीफ यह है कि जब वो ईमान वाले से मिलता है तो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब दूसरों से मिलता है तो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वो कहते कि तुम ईमान वालों से मिलते हो तो उनके साथ, और हमसे मिलते हो तो हमारे साथ, तो तुम्हारा मामला क्या है? नमा नहनु मुस्तहज़िउन, हम तो उनसे मजाक करते हैं, ये कुरान कह रहा है। ये मुनाफिक की आदत। और कोई ये ना समझे कि मुनाफिक नमाज नहीं पढ़ते, मुनाफिक कलेमा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बान से अल्लाह का रसूल भी मानते हैं, ये सारी चीजें। और यहां एक और बात मैं अर्ज कर दूं, मुनाफिक हुजूर के पीछे भी नमाज पढ़ते थे,
लेकिन बावजूद इसके उनके ईमान की नफी। अब आप देखें मुनाफिक और यहूदी दोनों के दरमियान, अब मुनाफिक को पहचानना बड़ा मुश्किल है। यहूदी तो समझ रहा था कि ये मुनाफिक उसको नहीं समझ रहा था, उसको तो मुसलमान समझ रहा था, इसीलिए उससे कहा कि तुम्हारे नबी के पास चलो, मुकदमा तुम्हारे नबी जो फैसला फरमाएंगे उसे मैं मान लूंगा। तो तुम्हारे नबी से उसको खिताब करना और कहना ये इस बात की अक्कासी करता है कि यहूदी ये समझता था कि ये कलिमा पढ़ने वाला है तो हुजूर को मानता होगा और हुजूर के फैसले को मानेगा, इसलिए उसने कहा तुम्हारे नबी के पास चलो। और मुनाफिक कहता है कि चलो काब इब्ने अशरफ के पास। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहूदी की जिद पर मुकदमा लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार ने यहूदी की फेवर में फैसला किया, बात जो हक थी सरकार ने वही की। मुनाफिक को यह फैसला पसंद नहीं आया, वो पहुंचा फारूक आजम के पास, इसलिए कि मुनाफिक ये समझता था फारूक आजम तो यहूदियों से बहुत नफरत करते हैं, सरकार जो है नर्म मिजाज है, रहमतुल लिल आलमीन है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी फेवर में शायद माज़ अल्लाह फैसला इस वजह से या कोई वजह से दे दिया होगा। तो चलो फारूक आजम के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये यहूदी है और मेरे साथ ये मामला इसका है, तो फारूक आजम फौरन मेरी फेवर में फैसला दे देंगे। वो पहुंचा फारूक आजम के पास और कहा कि हमारा ये मुकदमा है, कजिया है, जरा इसके बारे में आप कोई फैसला फरमाएं। तो यहूदी ने फौरन कह दिया, उमर हम पहले हुजूर के पास गए थे तो हुजूर ने मेरे हक में फैसला फरमाया। तो फारूक आजम ने मुनाफिक से पूछा कि बता क्या ये सच कह रहा है, तो उस मुनाफिक ने कहा कि हाँ ये सच कह रहा है। फारूक आजम ने फरमाया ठीक है, अगर तुझे हुजूर का फैसला मंजूर नहीं तो मैं अभी आता हूं। घर में गए, तलवार लाए और मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी और फरमाया जिसे मुस्तफा का फैसला पसंद ना हो उसके लिए यही सजा है। वो कलिमा भी पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था, दाढ़ी भी होगी, सब कुछ था। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर को हाकिम न मानने के एवज के अंदर और सरकार के फैसले को तस्लीम न करने की वजह से उसकी गर्दन उड़ा दी और बताया ईमान नाम है मोहम्मद अरबी को तन मन धन सबसे ज्यादा चाहने का ईमान। तो नाजरीन बयान अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो नाजरीन आला हजरत के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो नाजरीन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।